प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जैन रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बेटियां। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजिया राय खान जी का। तो ये वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग होगी उतनी दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आप किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सलमान, इमाम, मुल्ला, मौलवी और असदुद्दीन अवैसी, ये सारे लोग कहते हैं कि आप मर्दों के बारे में नहीं सोच रहे यूसीसी के लिए, आप औरतों के बारे में सोच रहे हैं। तो जिस बेटी का तलाक होता है, जो बेटी हलाला की शिकार होती है, जो बेटी निकाह मुत्ता या मसियार की शिकार होती है, क्या उसके बाप के आंख से आंसू नहीं गिरता होगा? क्या उसके भाई के आंख से आंसू नहीं गिरता होगा? क्या उसके घर के चाचा, मामू, नाना, खालू के आंख से आंसू नहीं गिरता होगा? बिल्कुल गिरता होगा। तो कब किसने कह दिया कि नाजिया इलाही खान या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ महिलाओं, मुसलमान महिलाओं के बारे में सोच रहे? नहीं, वो तो आंसू भरे हुए आंखों में लिए उस मुसलमान बाप के बारे में भी सोच रहे हैं, उस मुसलमान भाई के बारे में भी सोच रहे हैं, उस मुसलमान माँ के बारे में भी सोच रहे हैं, दादा, नाना, लकड़ दादा, फकड़ दादा, सबके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी बेटी, नतनी, पोती जो है वो तलाकशुदा होकर के घर में आ रही है और आंखों में आंसू लिए हुए वो ये सोच रहे हैं कि भाई इस्लाम से हम कब बाहर आएंगे, कि हम यूसीसी आएगा तो हम कह सकते हैं कि इसको नहीं माना जाएगा। मेरा देश संविधानिक देश है, मेरा देश शरिया का देश नहीं है, मेरा देश पाकिस्तान नहीं है। तो यहाँ पर ममता बैनर्जी यूसीसी की विरोधिता नहीं कर रही थी, डायरेक्ट वो मुसलमान बेटियों की विरोधिता कर रही थी। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी अंजू जी, मैं इस मामले की, मेरी ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है, मैं 23 को फिर आ रही हूँ और इस बार मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में इसको डालूंगी और चीफ जस्टिस ऑफ भारत से ऐलानिया कहूंगी कि आपके डेस्क पर संविधान रखा है या शरिया रखा है। पहले मुझे ये बताइए आप, अगर संविधान रखा है तो इक्वल राइट हमारा भी होना चाहिए। और कुरान का पहला वर्ड इकरा है, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हमें 12 क्लास पढ़ने की भी अनुमति संवैधानिक तरीके से नहीं मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती है? हम किसी सरकार का इंतजार करेंगे अपने संवैधानिक अधिकार के लिए? ये नहीं हो सकता है। तो मेरा प्रेयर एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ नाजिया जी, लेकिन एक राइट टू एजुकेशन तो हर बच्चे का इस देश में, पढ़ाई का अधिकार तो सारे बच्चों को मिला हुआ है, तो सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं वही इससे अलग हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिल पाता है क्योंकि उनको शरिया के तहत बाकी चीजों में बांधा जाता है, इसलिए मुस्लिम बच्चियां जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रही। आप ये भी कहना चाह रही हैं? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट मानता कौन है? क्या वैसी मानता है विदेश का पढ़ा हुआ बैरिस्टर? क्या कांग्रेस की सरकार ने माना था राइट टू एजुकेशन एक्ट? क्या कांग्रेस की सरकार को नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कभी यह एहसास हुआ कि मुसलमान बेटियां पढ़ना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां कुछ बनना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां इस नंगे अश्लीलता के बाजार से निकल करके अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं? क्या कांग्रेस की सरकार को ऐसा एहसास हुआ था? राइट टू एजुकेशन एक्ट बोल दीजिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल दीजिए या लीगल राइट बोल दीजिए, वो मुसलमान बेटियों के लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए है। हमारे लिए तो आज भी छाती पीटता रहता है अवेसी और मदनी शरिया को मनवाने के लिए। हमारे लिए तो आज भी वही शरिया जिन्ना का बनाया हुआ चल रहा है, हमारे जो इस्लामिक देश में चल रहा है, पाकिस्तान में, सीरिया में, अफगान में, वही हमारे यहाँ भारत में चल रहा है। कैसे हम कह दें कि ये संवैधानिक देश है? कोर्ट कह देता है भाई कि हम कुछ नहीं बोल सकते, सरकार को बोलना पड़ेगा। संविधान की किताब डेस्क पर रख करके चीफ जस्टिस बोलते हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते, सरकार को बोलना पड़ेगा। और हम तो संवैधानिक राइट मांग रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से तो हम बात कर रहे थे। आप मेरे आर्टिकल्स पढ़िए, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि मैंने बहुत अच्छे से अपने सबमिशन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी हमें धक्का मार दिया गया कि आप सरकार से बात कीजिए। और सरकार, ममता बनर्जी इस मूड में ही नहीं है कि वो मुसलमान बेटियों के दर्द को सुनेंगी या समझेंगी। उनको तो वोट बैंक की चिंता है ना नाजिया जी। शाहवानों वाला केस भी तो 1984 में क्यों पलट दिया गया था संसद में, क्योंकि तभी कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता थी। आज तो ममता बनर्जी को दोगुनी चिंता है, उनको तो ये लग रहा है कहीं उनका वोट कांग्रेस को ना चला जाए, लेफ्ट को ना चला जाए, इसीलिए तो इस तरह की भड़काऊ बातें वो कर रही थी। रामनवमी को लेकर भी दंगा फसाद भी करवाया उन्होंने।
ये सब कुछ तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ना, इसमें पिस बेचारी मुस्लिम बच्चियां रही। लेकिन मैं, मुझे तो कई बार, मैं तो आपको देखकर, मुझे लगता है आपको देखकर कितनी सारी मुस्लिम बच्चियों को इंस्पिरेशन मिलता होगा। नहीं, काफी मुसलमान बेटियों ने मुझे फोन किया है, काफी मुसलमान परिवार ने मुझे फोन किया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन मैं टीपू सुल्तान मस्जिद, शाही मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने के लिए गई थी, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए रमजान के मौके पर मैं गई थी, तो मुझे सऊदी अरबिया से फोन आया था, मुझे सऊदी अरबिया से मेल आया है कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। उन्होंने, उन लोगों ने मुझे मतलब बहुत ऑनर किया है कि जिस तरह से हम हज और तवाफ उमरा एक साथ करते हैं, आपने उसकी पहल की है, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि भारत में कोई बोलने को तो मुसलमान लड़की खड़ी तो हुई है। उसी तरीके से पिछले दो दिन से फूल के गुलदस्ते, कार्ड और फोन कॉल मेरे पास आ रहे हैं कि नाजिया जी, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमारी आवाज बन करके हमारी बात को पहुंचाया है। मुसलमान बेटियां अंदर अंदर, भीतर भीतर बहुत खुश हो रही हैं, और वही चीज है जो मुझे रुकने नहीं दे रहा है और मुझे सर्वोच्च न्यायपालिका जाने की हिम्मत दे रहा है। वही एक चीज है कि मैं कुछ कर सकती हूँ इन मुसलमान बेटियों के लिए, भले ही मुझे मार दिया जाए, भले ही मुझे बोटियां कर दी जाए और यो यो गुस्ताखे रसूल की सजा कर दी जाए, लेकिन मैं अपने अधिकार को मानूंगी। अब आती है बात कि आपने ममता बनर्जी की बात कही है, ममता बनर्जी को के लिए मैंने बार बार कहा है कि उनको मुसलमान पुरुषों से बहुत लगाव है, मुसलमान बेटियों से उन्होंने 13 साल में एक लम्हा भी मुसलमान बेटियों के पक्ष में उन्होंने बात नहीं किया है। वो तो ऐसी हैं कि मुसलमान लड़की को अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई इलेक्शन का टिकट देना है तो उन्होंने अपुरूपा पोद्दार को रातों रात आफरीन अली बनाया है ताकि मुसलमान बेटी को टिकट ना देना पड़े। उन्होंने नुसरत रूही जहान जैन को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो मुसलमान थी ही नहीं, वो प्रॉपर मुसलमान थी ही नहीं। नाजिया इलाही खान श्रीमती ममता बनर्जी के साथ एक नहीं, 10 मीटिंग एक स्टेज पर शेयर कर चुकी है, उनके साथ उनके बगल में बैठ चुकी है। श्रीमती ममता बनर्जी नाजिया इलाही खान के मुंह को चूम चुकी है और वो फोटोग्राफ्स मेरे पास है, मेरे माथे को चूम चुकी है। ये कब की बात है? ये 2014 की बात है, 2012 की बात है, 2013 की बात है कि वो मुझे चुम्मा ले रही है, वो मेरे मुंह को चूम रही है, वो मेरे पेशानी को चूम रही है मेरी स्पीच को सुनने के बाद। और फिर अचानक से उनको एहसास हुआ कि ये तो प्रॉपर मुस्लिम है, ये तो प्रॉपर मुस्लिम है, ये तो भाई चलने नहीं देगी, ये तो कोई मुसलमान बलात्कार करेगा लड़का तो ये कहेगी कि इसका औजार काटो, इस्लाम के हिसाब से कोई मुसलमान लड़कियों को टीफ टीस करेगा तो कहेगी कि जबान काटो, कोई मुसलमान बेटियों को या किसी और धर्म की बेटियों को गंदी नजर से देखेगा तो नाजिया कहेगी कि इसकी आंख निकालो इस्लाम के हिसाब से। तो फिर एक एक हवा बनाया गया कि नहीं, नाजिया जो है ना वो कुछ ज्यादा ही कट्टर मुसलमान है, इसको साइड कर दो, और फिर मुझे साइड कर दिया गया। अदरवाइज जी, अदरवाइज वो तो मेरा कभी मुंह चूमती थी, कभी परेशानी चूमती थी, एंड आई हैव फोटोग्राफ्स, मेरे पास फोटोग्राफ्स है। पर नाजिया जी, उस वक्त उनको ये लगता होगा ना कि आप उनके इशारों पर नाचेंगी, जैसा वो कहेंगी वैसे करेंगी, लेकिन उनको तो लगा कि ये तो कट्टर मुसलमान है तो ये सब भी बोलेंगी। शरिया के हिसाब से अगर चलना है भाई तो पूरा का पूरा चलो ना शरिया के हिसाब से, फिर तो सजा भी शरिया के हिसाब से दो। हाँ, उनको स्टार्टिंग में यही लगा था कि वो मुझे कन्विंस कर लेंगी और उनके जितने भी जाली मुसलमान नेता मंत्री हैं वो भी मुझे कन्विंस कर लेंगे और उनके हिसाब से मैं चिटिंगबाज मुसलमान हो जाऊंगी, जैसे फरहाद हकीम जैसा है, जैसे नुसरत रूही जहान जैन है, जैसे अपुरूपा पोद्दार आफरीन अली बनी रातों रात। पर जब उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो आयते सूरते वर्सेस ऐसे पढ़ती है और ऐसे तर्जुमा करती है कि भाई ये तो कहेगी कि या तो संविधान मान लो या तो फिर शरिया मान लो, इस्लाम मान लो, दो में से कोई एक चीज पे तय कर लो, डिसाइड कर लो कि मानना क्या है, तो फिर मुझे साइड कर दिया गया और मैं साइड हो भी गई। मैं शांति से साइड हुई क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरे जैसे कट्टर मुसलमान को ममता बनर्जी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और ऐसे कट्टर मुसलमान को जो इस हद तक सच बोल जाती है कि मुस्लिम जमात के लोग ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और फिर वो लोग मुझे ही कहते हैं कि अरे ये तो मुसलमान ही नहीं है ये तो सनातनी हो गई है लेकिन मैं बहुत घमंड से और फक्र से बोलती हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि अभी आप जिस चेयर पर बैठी हैं पीछे आपने भगवा कपड़ा भी रखा हुआ है। बिल्कुल।
लेकिन अभी जो आप मुस्लिम बच्चियों के लिए कर रही हैं ना, जो जो मामला अब आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रही हैं, वो वाकई अपने आप में एक बहुत ही मतलब जिसमें कोई क्रांतिकारी कदम होगा उन मुस्लिम बच्चियों के लिए जो पढ़ना चाहती हैं और आप जैसी बनना चाहती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर आपको कामयाबी मिले जो आपको कोलकाता हाई कोर्ट में नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो उम्मीद से आपकी तरफ देख रही हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से माधवी जी काम कर रही हैं ना, मुस्लिम मोहल्लों में घुस घुस कर, मुस्लिम परिवारों में घुस घुस कर जिस तरह का समाज का काम वो करती रही है, सामाजिक कार्यकर्ता है, डॉक्टर है, तो वो भी एक नई नजीर लेकर आ रही है। क्योंकि कहा जाता है कि हैदराबाद में उन गलियों में कोई ऐसा उम्मीदवार जाना ही नहीं चाहता था जो ओवैसी के खिलाफ खड़ा होता था, क्योंकि लोग आने नहीं देते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन माधवी जी तो पिछले 20 साल से काम कर रही है, घर घर को जानती है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं तो चाहती हूँ कि वो भी वहां से जीते और ओवैसी जी को एक सबक सिखाएं, और आप भी जो आपने अब एक नई पहल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। आपने मेरे लिए वक्त निकाला चर्चा करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िला खान जी का ये दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ ममता बनर्जी की पोल खोली बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताए। और जैसे कि हम जानते हैं, थोड़े दिन पहले जो बहादुरी का नमूना पेश किया था नाज़िया खान जी ने, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और वो पहली महिला बन गई थी ऐसा करने वाली। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।